हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, आई एम योर होस्ट दानियाल सुहेल। यू आर वॉचिंग प्रोग्राम स्ट्रीट फूड। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। और आप लोग सोचेंगे कि इस वक्त तो तमाम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मज़ेदार किस्म का नाश्ता तैयार किया जाता है और वो फजर से पहले मिलना शुरू होता है और फजर की नमाज के बाद वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि लोग 4 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कौन सा नाश्ता है, क्या चीज़ है, आइए आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टाइम जो है वो गाड़ियों का आपको रश नज़र आ रहा होगा। ये तमाम लोग वही हैं जो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये तलवारा बाज़ार का इलाका है। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो लोग नीचे भी बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं बहुत से लोग, और अभी जो है वहाँ पर फुल रश लगा हुआ है। अभी भी मैं आपको जगह नहीं बताने वाला कि क्या आइटम जो है वो तैयार की जा रही है। आइए लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो मिल रही है नाश्ते के हवाले से जो वो यहाँ पर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मुझे बताएं, ये इतना रश जो है यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्या चीज मिल रही है? ये मजीद निहारी वाले हैं। ये वाले मजीद निहारी वाले हैं, तो यहाँ से निहारी खाई है आपने? मैंने तो फर्स्ट टाइम खानी है, मैंने भी खाई नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, वो हर वीक आता, वीक में दो दफा आता, तीन दफा आता। अच्छा, वीक में दो दफा आता है वो। हाँ, मैंने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसे। सुबह 4 बजे आए हैं? हाँ, मैं तो भी 4 बजे आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने बजे खत्म हो जाती है कुछ पता है? अराउंड 5:30-6 बजे। अच्छा, 5:30-6 बजे तक खत्म हो जाती है। तो आइए आगे और भी लोगों से पूछते हैं, यानी कि आज हम आपको मजीद निहारी जो रावलपिंडी की बहुत मशहूर है और यहाँ नाश्ते में लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, वो टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, जो रश इतना ज्यादा जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर और भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कब से यहाँ की निहारी जो है वो खा रहे हैं आप? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो चुके हैं। क्या स्पेशल है कि यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है? स्पेशल तो देखें टेस्ट ही होता है, और एक मेयार होता है, एक नाम होता है, उसकी बुनियाद पर लोग आते हैं। अच्छा, कितनी दूर से आए हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन कोई 10 मिनट का रास्ता है। अच्छा, 10 मिनट का रास्ता है। कितने अरसे बाद आते हैं यहाँ पे खाने के लिए? तकरीबन रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं, मतलब 4 साल से ये खा रहे हैं और रोज आते हैं। मेरे ख्याल से आइए आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे जो गहमा गहमी इस टाइम लगी हुई है वो दिखाते हैं और उसके बाद ट्राई भी करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ की निहारी में क्या स्पेशलिटी है। आइए मेरे साथ। जी, तो यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो तो आपने देखी कि लोग किस तरह से आ रहे हैं और यहाँ की निहारी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ओनर वकास भाई मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम इस पॉइंट की हिस्ट्री जानते हैं और रेसिपी भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे से ये पॉइंट है यहाँ? ये तकरीबन 4-60 साल हो गए, दादा ने शुरू किया था। अब तो 4-60 साल पुराना ये पॉइंट? जी जी। अच्छा, आपके दादा ने शुरू किया था, तो ये रेसिपी उन्हीं की थी? जी जी। और किस तरह से वो तैयार करते थे, घर में तैयार करके लाते थे, या क्या कुछ हिस्ट्री बताएं किस तरह से शुरू हुआ? उस टाइम तो वो खुद ही तैयार करते थे, घर वाला तो कोई सीन नहीं था। होटल भी सब कुछ तैयार होता है, घर से कुछ भी तैयार नहीं होता है, होटल भी यहीं पे सब तैयार होता है। अच्छा, इसी जगह पर ही जो है वो तैयार करते थे? जी जी। तो ये रेसिपी उन्होंने कहाँ से सीखी थी, कुछ पता है कौन से मसाले डालते थे? माने लोग हैं, इंडिया के टाइम के लोग हैं, तो वो अपनी उनकी रेसिपी थी सीखने का। क्या पहले इंडिया के टाइम से चलते आ रहा है ये नहरी, तो वहाँ का बेसिकली चीज़ है पाकिस्तान में, इसको हमारे सबसे पहले दादा ने शुरू किया था। अच्छा, वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे वहाँ से? जी। वहाँ पर भी उनका इसी का काम था या क्या? मैंने सुना है कि दिल्ली से आए थे और वहाँ पर भी निहारी का ही काम था। जी जी, वहाँ पे उनके भी बहुत दाद का यही काम। अच्छा, मतलब कि ये जो है पाकिस्तान बना तो दिल्ली से यहाँ पर आए और वहाँ पर भी इनके अबाउज दाद का इसी चीज़ का काम था और यहाँ पर आकर इन्होंने शुरू किया, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर इसी पॉइंट से इनके दादा ने जो है वो शुरू किया। अब आगे ये इसको लेकर चल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं, कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिसकी वजह से इसका जायका इतना मज़े का है कि लोग आ जाते हैं सुबह 4 बजे? मसाले तो बस खास नहीं है, लेकिन ये है कि ये लोगों की मोहब्बत है जो पसंद करते हैं और इतनी दूर दूर से आते हैं, अल्लाह का करम है हम पे। बाकी तो ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, टेस्ट है, मेहनत करते हैं, बस ये कह सकते हैं कि सुबह मेहनत करते हैं तो बस उसका ये लोगों को पसंद आती है नहरी। और तैयारी जो है वो आप कितने बजे शुरू कर देते हैं इसकी? ये तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है जी इसकी तैयारी में। अच्छा, मतलब कि पूरा दिन इसकी तैयारी में लगे रहते हैं और अगले दिन सुबह के यहाँ पे आप जो है वो सेल आउट करना शुरू करते हैं, तो फुल यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी जो है वो लगी रहती है, लोग आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं और सुबह 4 बजे जो है पॉइंट ओपन हो जाता है?
जी 4 बजे शुरू होता है। और कितने बजे खत्म यहाँ पे हो जाता है? कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब नहरी खत्म हो जाती है तो तब फिर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरी ब्रांच शुरू करते हैं, वहाँ पे 7 बजे शुरू करते हैं, वहाँ पे भी जिस टाइम ऑनवर्ड 8, 8:30, 9 बजे तक जब नहरी खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब कि आपने माशाल्लाह दूसरी ब्रांच भी बना ली है, उसको कितना अर्सा हो गया? उसको तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अच्छा, आपके दादा ने जो शुरू किया था वो एक किसी छोटे पॉइंट से शुरू किया था या क्या, कुछ इसकी हिस्ट्री बताएं? बेसिकली उन्होंने बाबराजार से शुरू किया था, दुकान ही थी वहाँ से शुरू किया था, उसके बाद फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी हमने देखा कि लोग गली में जो है वो नीचे बैठ के दस्तरखान बिछा के जो है वो खा रहे हैं, क्योंकि जायका इतने मज़ेदार है। लोग ये नहीं देख रहे कि जगह क्या है, बस कह रहे हैं कि निहारी मिल जाए और हम खा लें। और यहाँ पर जो है ना एक अलग ही हमें माहौल देखने को मिला कि सुबह 4 बजे लोग आते हैं और यहाँ पर दुकान खुलने से पहले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही दुकान खुले तो वो यहाँ की निहारी जो है वो ट्राई करें, और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन सी निहारी यहाँ पर है? निहारी है, बेसिक तो निहारी होती है, फिर उसमें मगज ऐड हो जाता है, नली ऐड हो जाता है, मगज नली निहारी होती है, और चने होते हैं। अच्छा, क्या चीज़ लोग सबसे ज़्यादा इसमें से पसंद करते हैं? सब कुछ ही पसंद करते हैं, लेकिन ये कि निहारी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, नली निहारी, मगज निहारी, ये चीज़ लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, चने भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर निहारी से रहा है। जी, तो इन्होंने हमें सारी हिस्ट्री के बारे में बताया कि किस तरह से ये पॉइंट ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। इनके दादा ने मेहनत की, मेहनत कश लोग हैं, पूरा दिन इसकी तैयारी में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट वाकई लाजवाब। जी, तो यहाँ पर फुल टाइम जो है वो रश लगा हुआ है, दुकान उनकी छोटी सी है, अंदर सिटिंग की कैपेसिटी इतनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाहर रोड पे लोग जो हैं बैठे हैं, गाड़ियों में बैठ के खा रहे हैं, और यहाँ रोड के ऊपर इन्होंने जो है वो दस्तरखान लगाया हुआ है, यहाँ पर बैठ के इंजॉय करें। इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टेस्टी है, कि लोग किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे, सिर्फ निहारी खा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ दोस्त बैठे हैं जो खा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कब से खा रहे हैं और इनको यहाँ की निहारी कैसी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कब से यहाँ का नाश्ता जो है हम लोग कैसा टेस्ट है? हम लोग तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ आ रहे हैं, हम लोग हॉस्टलाइट हैं, हम लोग फैसलाबाद से आए हुए हैं हम लोग। सही है। तो 2 साल से हम लोग निहारी खा रहे हैं, और हर महीने तकरीबन 2 को चक्कर मरे जरूर लगते हैं। हर महीने 2 दफा जरूर आते हैं, सुबह 4 बजे ही आते हैं। सुबह 3:30 बजे हमारे यहाँ से सफर 30 मिनट का सफर है। अच्छा, 30 मिनट आते हैं, 30 मिनट से आते हैं, 4 बजे से पहले पहले आ जाते हैं, आके खाते हैं, और लिटरली बहुत मज़ेदार है। बहुत क्या ऐसी चीज़ इसमें मुनफरिद है कि यहाँ का आप कह लें कि इनका खाना बहुत अच्छा है। और सबसे मजे की बात है कि इतना सस्ता है, क्योंकि अगर आप बाकी जो इनके कंपटीटर्स हैं उनको देखें, उनके रेट्स इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। इनका ये है कि खाना मियारी भी है, लेकिन खाने की कीमत बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सुबह 4 बजे वाला सीन भी है ना, ये भी एक मजे का। हाँ नहीं, बाकी ऐसा है, हाँ उठ के आना, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम सारी सारी रात नहीं सोते, कहीं लेट ही ना हो जाए हम कि हमें मिले ही ना। मुझे बताएं आपको यहाँ की क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है और कब से आ रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 2 साल से आ रहा हूँ, इन्हीं के साथ आ रहा हूँ, तो मुझे इनकी नली निहारी भी पसंद है और ये सिंपल वाली भी, दोनों अच्छी हैं और रीजनेबल प्राइस में है काफ़ी। भाई मेरे हमें 20-25 साल हो गए हैं, फ्राइडे को तो हम ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हमारी फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो हर जुमे हम आते हैं 4 बजे। 4 बजे के अगर 5 बजे यहाँ निहारी नहीं मिलती, पूरी पिंडी से, इस्लामाबाद से, दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं। भाई हम पिछले 20-25 साल से इनके पास आ रहे हैं, वीक में हम फ्राइडे और संडे लाजमी इनके पास आते हैं। जो इनकी निहारी है वो हमें पूरे पिंडी इस्लामाबाद में ऐसी निहारी कहीं नहीं मिलती, बल्कि आप इनफैक्ट ये समझ लें पाकिस्तान में ऐसी निहारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसका जायका, इसका टेस्ट बिल्कुल मुनफरिद है। चिकली है तो दिल्ली से, तो वाले साहब बताते हैं कि वो दिल्ली में भी इनके दादा से खाते रहे, तो अब ये मेरा 3री पीढ़ी चल रही है। जायका बहुत अच्छा है इनका, तो कराची की भी खाई है, सब जगह खाई है, लेकिन ये निहारी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। बचपन से यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आते हैं, इस एरिया को बेसिकली मंडी कहा जाता है। ये रावलपिंडी का अंदरूनी शहर का एरिया है, ये साथ में लाल हवेली है और सारे बाज़ार भी यहाँ पे, और हम बचपन से यहाँ पे सब दोस्त और फैमिली जो है वो आते हैं।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो गहमा गहमी लगी है वो तो हमने आपको दिखा दी है कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, खा रहे हैं और फुल रश लगा हुए, और कहा जाता है कि अगर आप लेट हो जाए ना तो बस आपकी नियारी खत्म हो जाएगी। मुझे मिल गई है, अब हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है जो लोगों को इतना जो है वो पसंद आ रहा है। सो लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाह जी, सबसे पहले तो आप देखें ना, ओहो क्या अंदर बोटियाँ और वो सारी चीज़ें, नली वगैरह जो है वो डली हुई है। हम लेते हैं बाइट। क्या हैवी किस्म की हमारी फर्स्ट बाइट होने लगी है। बिस्मिल्लाह। मतलब जो अंदर मीट है ना वो इतना सॉफ्ट और इतना वो जूसी किस्म का है कि मुंह में जाते साथ ही वो घुल सा जाता है। और ये थोड़ी सी नली आई, ओहो यार वाकई आउटस्टैंडिंग किस्म का टेस्ट है इसका, और मैं कहता हूँ कमाल की निहारी। वाह मजा आ गया। उसका जो मीट डला हुआ है उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, फुल वो टेंडर नलम सा जो है वो हुआ है उसके अंदर, नलियां जो अंदर डली हुई है ना वो मैं कहता हूँ कि मजा जो है वो करवा रही है, और फुल जो है ना मसाले वगैरह बिल्कुल जो है ऑन पॉइंट है। ओहो ये आप देखें, हैवी भैया, पता लग गया कि लोग सुबह सुबह जो है ना क्यों उठ के 4 बजे के करीब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर नीचे बैठ के भी खा रहे हैं, एक अपना अलग ही मज़ा है। अगर ये आपको सुबह 4 बजे के अलावा भी मिलती रहे तो मेरे ख्याल से वो मज़ा नहीं आएगा, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है, दोस्त आपस में प्लान बनाते हैं, तो इसका तो यार मज़ा आ गया। और यही पता लगा कि तकरीबन 30-40 साल पुराना ये पॉइंट मौजूद है, और यहाँ पर दुकान खुलने से पहले रश लगा होता है, लोग आते हैं, और अगर आप आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट भी लेट हो जाए ना तो यहाँ पे जो है सब खत्म हो जाता है। भाई मैं तो फुल एंजॉय कर रहा हूँ, और मजा आ गया भाई, लाजमी आपने ट्राई करनी है। अगर आप रावलपिंडी में रहते हो और आपने अभी तक मजीद की निहारी ट्राई नहीं की ना, तो भाई क्या कह रहे हो यार, कहाँ रह रहे हो राजा जी, आओ निहारी खाओ। जी तो व्यूअर्स, आज हमने रावलपिंडी में एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट जो है वो डिस्कवर किया। यहाँ पर सुबह 4 बजे जो है वो नाश्ता तैयार होना शुरू होता है, और अभी 6 भी नहीं बजे यानी सूरज भी नहीं निकला और नाश्ता ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत मज़ेदार किस्म का पॉइंट था जहाँ पर मज़ेदार किस्म की नली निहारी जो है वो तैयार की जाती है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की तो लाजमी आइएगा, जो लोग पिंडी में रहते हैं वो तो लाजमी यहाँ पर आकर इसको ट्राई करें। उसके अलावा इनकी स्टोरी काफ़ी मोटिवेशनल थी, काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है ये स्टार्ट किया हुआ है, इनके दादा ने स्टार्ट किया था, तीसरी जनरेशन जो है वो अभी से आगे लेकर चल रही है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इंडिया से माइग्रेट किया, वहाँ पर भी इनके दादा पर दादा का यही काम था, वहाँ पर इसी तरह मज़ेदार किस्म की निहारी जो है वो तैयार की जाती थी, तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर रश तो आपने देखा कितना ज़्यादा था, दुकान खुलने से पहले ही लोग आ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, तो मैंने तो आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो रहा, आप लोग भी आइएगा। और यहाँ पर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। अगर हम बात करें नली की, जो प्लेट मैंने यहाँ पर खाई वो 350 में मिल जाती है, यानी कि जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं अगर वो यहाँ पर आकर इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो इन जस्ट 1.5 USD में आप यहाँ पर आकर इसको इंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि एक कम प्राइस में एक अच्छी चीज़। और जो उसका मीट था यार, क्या कमाल का, वो सॉफ्ट जूसी टेंडर किस्म का था, मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है, जब आप आएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। और एक और बात,
टाइम पे आइएगा, लेट हो गए तो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। 4 बजे आ जाएं, 5 बजे तक पता नहीं मिले ना मिले तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अगर कोई पॉइंट जो आपका फेवरेट और आप चाहते हैं कि हम वहां पर भी जाएं तो जरूर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। हम वहां पर भी जाएंगे, उनकी स्टोरी भी बताएंगे और वहां के खाने जो हैं वो भी टेस्ट करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।